अभिषेक और एल्विश के बीच में भले ही गलतफहमियां हो जाए, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की केयर करते नज़र आते हैं, वो बात ऑडियंस को भी बेहद पसंद आती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जहां पर अब एल्विश और फुकरा एक साथ बैठे थे और एल्विश ने फुकरा से कहा कि उसके हाथ पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है, जिसके बाद फुकरा जो है एल्विश की पीठ, हाथ और पैर दबाते नज़र आए हैं। यहाँ पर हम बता दें कि वीकेंड का वार में जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद लोगों का दावा था कि अब फुकरा और एल्विश के बीच में चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीकेंड का वार ख़त्म होते ही जिस तरीके से दोनों के बीच का बॉन्ड देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि ये दोनों वाकई में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और इसीलिए भले ही इनके बीच की गलतफहमियां कितनी भी हो जाए या कितने भी मेकर्स कोशिश कर ले दोनों के बीच में फूट डलवाने की, पर ऐसा हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या वाकई में एल्विश और फुकरा जिस तरीके से दावा करते नज़र आते हैं हमेशा ही एल्विश कि यहाँ पर जो है भाईचारा हमेशा ऑन टॉप रहेगा, क्या ये बात सही है? क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच की ये जो बातें हैं, ये जितनी भी गलत फहमियाँ हैं, कभी भी इन दोनों के बीच कोई भी फूट नहीं डलवा सकता? आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।